अमित, अच्छा बताओ, जब आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देखते हो, मतलब कभी जब देखी होगी, तब ऐसा कोई ऑकवर्ड सा सीन आ जाता था तो आप क्या करते थे? नॉर्मली तो डैडी बोल देते थे एक ग्लास पानी ला दे। एक बार हमने कुछ ऐसा ही ज्यादा लंबी चौड़ी ऐसी पिक्चर देखी जिसमें 10 बार पानी मंगवा लिया डैडी ने। तो सेकेंड हाफ मैंने आराम से देखा क्योंकि उसके बाद 10 बार डैडी को बाथरूम जाना पड़ा वो पानी निकालने के लिए। पर देखो पापा के अलग काफी सारे किस्से होते हैं, तुम बैठो तुम्हें और बताता हूँ अगर पापा की बात निकली है तो। तुम लोगों ने कभी मूवीज में या वैसे कभी वो देखा, वो खेत में एक पुतला होता है, वो जो पता है किस चीज के लिए होता है? पक्षियों को डराने के लिए। और वो पुतला एक्चुअली कुछ कर सकता है ना? नहीं, पर उससे वो लोगों को डरा रहे हैं, राइट? हमारे घर में भी एक वो पुतला होता है जिसको कहते हैं पापा। सही में वो कुछ नहीं कर रहा यार, बाप घर में कुछ नहीं कर रहा, बाप के नाम पे माँ बहुत डरा रही बच्चों को। वो आदमी क्या करे, वो बाहर अपने बॉस से डरा डरा फिर रहा होता है। उसको टेंशन होती है अगले महीने सैलरी टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी, वो अलग टेंशन। पर बाप के ना दो मोड होते हैं सिर्फ पैसे के मामले, एक विजय माल्या और दूसरा दिवालिया। जिस दिन बाप के पास पैसा आ गया ना, जिस दिन वो मूड में, शाम के 9 बज गए, 2 पैग लग गए, फिर वो राजा। फिर तुम कुछ भी मांगो, मोटरसाइकिल ले ले यार। सही, फिर बाप जब पैसे बचाने के मूड में तब नहीं तुम उनकी शक्ल देखना चाहते। तुम किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे चल जाओ, वहाँ पे वो दुकानें होती है ना जहाँ पे वो गिफ्ट शॉप होती है जहाँ से सामान खरीदते हैं कि जी याद कर, एक बीवी बच्चे के पीछे हमेशा एक ना बाप चिड़ा हुआ सा फिर रहा होता है। फैमिली उसके साथ चल भी नहीं रही, पर फाइनल खर्चे के लिए आना होता है, पर वो कुछ भी उठाएंगे, ये मसाले ले ले, क्या करने है? मिलते तो हैं दिल्ली में, मैं तेरे को ला दूँ, पुरानी दिल्ली में बड़े अच्छे मिलते। पापा टी शर्ट ले, ये पालिका बाजार से ही लेके जाते हैं। और फिर करते हैं ये लोग कंपैरिजन, बाप लोगों के कंपैरिजन होते हैं, देख उनका बेटा देख कितना अच्छा है पढ़ाई में, फर्स्ट आ रहा है, यू नो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, यू नो तो उसको तो देख वो कितना अच्छा कर। पर गलती से तुम कंपेयर कर दो, पापा मुकुल के पापा ने देखा उसको फ़ोन भी लेके दिया है नया, वो पूछते भी नहीं कि 11 बजे आ रहा बार, तो उनके घर ही रह जाना फिर तुम। उनको बोल ले ले गोद, हैं मुकुल के बाप के पास पैसे, वहीं बैठ जाओ उनकी गोदी में जाके। और दूसरा क्या है, जैसे हमारे घर में क्या है, एक तुमने वो टर्म सुनी अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब पता, कि मैं ही सब कुछ हूँ। बाप को वो लगता है कि मुझे सब आता है। एक हमारे घर में अगर नलका खराब हो जाए ना, हमें डर लगता था कि पापा के आने से पहले ठीक करवा लो, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया ना वो कहेंगे मैं कर दूंगा संडे को, और नलका वो ठीक करने बैठेंगे सारे घर को काम पे लगा देंगे। बहुत शुक्रिया यार, मुझे ना यहाँ पे आके थोड़ा गिल्ट होने लगता है पहली कि सब लोग अपना माइक लेके आ रहे हैं, माइक में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, मैं आ रहा हूँ तो एक बंदा मेरे लिए माइक स्टैंड लेके आ, ये लीजिए महाराज अभी आपका रथ लगा है आप शुरू करिए। अभी इतना प्रेशर हो जाता है कि अगर मैं अच्छा ना परफॉर्म करूं तो वो बोलेगा इसके लिए माइक स्टैंड मंगाया था तूने। मेरी हाइट बहुत कम है, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूं अपनी। मैं अभी दुकान गया था, मुझे शूज़ खरीदने थे, तो मैं गया दुकानदार के पास, मैंने कहा यार स्पोर्ट्स शूज़ देना, तो कहता वो विनोद वो स्टूल लेके आना। तो मैं कहा अच्छा स्पोर्ट्स शूज़ ऊपर रखे होंगे, कह रहे नहीं भाई साहब ऊपर आओ आप दिख नहीं रहे हो। कान में बोलो नाभी में क्या बोल रहे हो यार। मैं अपनी मम्मी से बोल रहा था एक बार कि मम्मी यार आप किसी लंबे लड़के से शादी कर लेती हैं ना, मतलब आपके पास किसी लंबे लड़के के रिश्ते नहीं आए थे? कह रही आए थे यार, लेकिन जो लंबे लड़के थे ना वो दहेज ज्यादा मांग रहे थे, तो हमारे बजट में यही हाइट आ रही थी। हम दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हाइट ले लो या डिस्काउंट ले लो, हमने डिस्काउंट ले लिया तो अभी पूरा खानदान नाट है। नो आप सुन रहे होगे, कई सारे लोग यहाँ पे लंबे होंगे, ऑडियंस घर पे देख रही होगी वो लंबी होगी, कुछ लोग इतना एक्टिंग करते हैं कि वो पता नहीं कितने लंबे, मेरे से थोड़ा सा लंबा है बंदा, और ऐसे कह रहा है इंडिया गेट में ऐसे चल रहा है ऐसे करके। नहीं भलेगा भाई, तो डायनासोर नहीं है, इट्स ओके। मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ, मेरा दोस्त 6 फिट का है, ठीक है। मेरे को कहता है कि यार मैं बाइक चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, मैंने कहा क्यों? कहता है सिग्नल आता है मैं पैर जमीन पर रखता हूँ बाइक नीचे से निकल जाती है। झूठ बोल रहा है।
उसके बाद ये लोग कंप्लेन भी करते हैं. अब देखो ना, तुम किसी को, किसी मोटे को मोटा बोल दो या छोटे को छोटा बोल दो, बुरा मान जाते हैं. तुम किसी लंबे को ऐसे बोलो ओए खंबे, वो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं कि हाँ थैंक यू मेरे पापा भी खंबे. मैं कहा मैं बेइज्जती कर रहा था, कह रहा हाँ पहुँच नहीं रही यहाँ तक तेरी बेइज्जती जाने. Everybody wants to be unique. सब चाहते हैं कि हमारे जैसा दुनिया में और कोई ना. ट्विन्स के घर पे उनके जैसा एक और है. सोचो आप ट्विन हैं आपका और आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है यू लुक रियली गुड, तुम्हारा भाई अंदर से बोल रहा है थैंक यू. मैं आपको एक कहानी बताऊँ. हमारे मोहल्ले में, जब मैं कानपुर में था, हमारे मोहल्ले में आइडेंटिकल ट्विन्स रहते थे, मयंक और मधुर. ठीक है, और एक बार मधुर खो गया तो इनकी फैमिली पुलिस स्टेशन गई मयंक को लेके और कहती है कि ये वाला एक और ढूंढ लो. वो कह रहे हैं फोटो क्या था, फोटो 3D मॉडल दे रहे हैं, ये वाला सेम एक ले आओ. उसके बाद वो पुलिस वाले गए और अगले दिन शाम को ऐसे लेके आ गए कि आपका बच्चा मिल गया. कह रहे ये वही है जो खोया नहीं था, सेम ला के दे रहे हो. तो कह रहे आपका जो नहीं खोया उसको बांध के रखो ना यार, कंफ्यूज कर रहे हो. ट्विंस तो अभी हम लोग को पता चलता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह आ गया है, तो तुम देख सकते हो, तुमको पता चल जाएगा कि ट्विंस होने वाले हैं. पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब पहली बार ट्विंस हुए होंगे तो मेडिकल साइंस नहीं था तब, तो उनके लिए सरप्राइज था. वो गए, उनका एक बच्चा डिलीवर हो गया, वो तालियां बजाने लगे, ये एक और निकल आया. क्या ये तो सेम है, अरे सेम पीस दो बार निकाल दिया, कौन सा बटन दबा दिया यार आपने. और बाद में ना फिर ट्रिपलेट्स हुएंगे पहली बार, तो जब पहली बार ट्रिपलेट्स हुए होंगे तो डॉक्टर को ट्विंस तक पता है. तो एक बच्चा निकला, उसने बोला ठीक है, फिर एक और निकल आया, कहता हाँ अब हो गया, फिर एक और निकल आया. तो कह रहा और कितने हैं यार, उसे थोड़ी पता कितने हैं. तो अब यार लोगों ने विश्वास ही छोड़ दिया है. वो कह रहे हैं जब भी डिलीवरी होती है लोग बैठ के शर्त लगा रहे हैं कि क्या लग रहा है कितने बच्चे होंगे. और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग. पर ये लंबे छोटे वाली बात जो तुम कर रहे थे ना, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ. मैं लंबे हाइट वाले ना बड़ी फर्जी फर्जी सी कंप्लेन करेंगे कि यार मैं यहाँ पूरा नहीं आता, वो शो ऑफ ही कर रहे होते हैं नॉर्मल. एक बंदा मेरे से कह रहा है वो लंबे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको भी सिंपैथी चाहिए कि हमारी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. मैंने कहा क्या प्रॉब्लम तेरी, कहता है नहीं वो बारिश में हम पहले भीगते हैं. ये कैसी प्रॉब्लम है सुगंधा, आपका कुछ बोलने का मन हो रहा है? नहीं, उतने पैसे में इतना ही मिलता है. एक मिनट, मुझे भी एक बात याद आ रही है. ये शाश्वत है ना, ये वो शो है ना अपना, बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी नहीं देखता, कहता मुझे छोटे ही अच्छे लगते हैं. थैंक यू शाश्वत, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां शाश्वत महेश्वरी. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.